मैं रामेश्वर तेली ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं रामेश्वर तेली ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को मैं तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಎರಡನೇ ಸಲ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಅವಧಿಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಂಥವರು 2011ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ, 2014ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ದಿಬ್ರುಘರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಬ್ರುಘರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಂದ್ರ ಸಾರಂಗಿ. मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रताप चंद्र सारंगी इवर गेलुवु दोड्ड मट्टद संचलनवन्न मूडिसित्तु। ओरिस्सादल्लि गेलुवन्न पडितारे इवरद प्रतिस्पर्धी ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಡೆಯ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗೆದ್ದು ಈ ಸಲ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೇರಿರದಂಥ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನವಜೋತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನವಜೋತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಡೆಯ, ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಾಸು ಇಲ್ಲದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಚಂದ್ರ ಸಾರಂಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೈಲಾಶ್ ಚೌಧರಿ. मैं कैलाश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती देवाश्री चौधरी, I देवाश्री चौधरी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल वेयर ट्रू फेथ and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection, or ill will. I Devashree Chaudhuri do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate to reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह समाप्त किया जाए। नरेंद्र मोदी ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 50
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೊಸದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಶಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 58 ಜನ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರೋದು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ 58 ಜನ ಯಾವ್ಯಾವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Dedication is renewed. India looks forward to the future. We trust that governance will facilitate the fulfillment of the aspirations of nearly 1.3 billion Indians. These are moments of celebration and bonhomie and of course a photo op. But knowing Modi ji's dedication and commitment to his goals, it will be back to work for him and his council of ministers sooner than we know. Much has been achieved in the last 5 years, but there is a long road ahead. Yaadgar pal yaadon mein rehte hain, tasveeron mein muskurate hain. Aaj ke aise hi kshan cameron mein simat rahe hain. 26 mai 2014 bhi ek yaadgar din tha aur 30 mai 2019 ko yaadon mein sametne ka ye avsar. समय है तस्वीरों का. द प्राइम मिनिस्टर्स न्यू काउंसिल एंड कॉलीग्स विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट एक्शंस रिजल्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ अ न्यू इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग द सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.